नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आशा एक भारत में। चले बात करते हैं पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र की। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र कई मायनों में अहम है, क्योंकि यहां से शत्रुघ्न सिन्हा लड़ रहे हैं, जो कि बागी नेता कहला रहे हैं अभी बीजेपी के। वो बीजेपी के उम्मीदवार थे पिछली बार 2014 में, और यहां से जीत दर्ज की थी। उसके बाद अब 2019 की बात करें तो यहां से दूसरी तरफ शत्रुघ्न सिन्हा है, तो दूसरी तरफ रवि शंकर प्रसाद है, जो कि कानून मंत्री भी रह चुके हैं और आईटी सेक्टर भी उनके हाथ में है। तो क्या जनता का रुझान है, और पटना साहिब की जनता आखिर किसे बनाती है अगला सांसद, और यहाँ की जनता किसे चुनती है अपना सांसद? चलिए बात करते हैं यहाँ की आम जनता से और जानते हैं क्या लगता है। अच्छा, इस बार कौन सांसद होना चाहिए पटना का? अभी देखिए, अभी तो कोई बात नहीं, मतलब रुझान कहाँ जा रहा है, शत्रुघ्न सिन्हा की तरफ या रविशंकर प्रसाद की तरफ? शत्रुघ्न का सुन रहे चर्चा, शत्रुघ्न का मतलब बागी हो गए हैं, तो कुछ असर पड़ेगा कि नहीं? असर तो पड़ेगा, असर तो पड़ेगा, असर पड़ेगा, असर पड़ेगा। लेकिन फिर भी शत्रुघ्न सिन्हा आपके तरफ ज्यादा हो गया सुनने में आया। चलिए, युवाओं से कुछ है यहाँ पे बात करते हैं, क्या लगता है इस बार किसके तरफ हो जाए? रविशंकर प्रसाद बीजेपी। क्यों? मोदी जी देखते हुए, मोदी को देख रहे हैं, मोदी फैक्टर है अभी भी। अच्छा, एक बात सवाल है कि क्या लगता है शत्रुघ्न सिन्हा जो बागी नेता कहला रहे हैं, अभी लोग कह रहे हैं, काफी सारे नेता कह रहे हैं, तो क्या लगता है? हाँ, वो बागी ही रहेंगे, वो बीजेपी रहते तो वो हमेशा निकल जाते, लेकिन इस बार नहीं निकलेंगे, वो नहीं जीतेंगे। फैक्टर है बीजेपी? हाँ, फैक्टर बीजेपी है। क्या लगता है? बीजेपी एक फैक्टर बहुत है। नहीं, कौन पसंद है ये तो बताइए। रविशंकर प्रसाद जी जीतेंगे। कन्फर्म। शत्रुघ्न सिन्हा जी बीजेपी का हाथ छोड़े हैं, वो बहुत बड़ा गलती किए हैं, गलती कर दी है, एकदम गलती कर दी है। क्यों? मतलब वो इस बार काफी फेमस है, काफी फेमस एक्टर भी रह चुके हैं। एक्टर रहने से पार्टी में कोई मतलब नहीं है, एक्टर पहले थे, वो मानते हैं, बीजेपी के साथ भी रहे, संसद भी रहे, ऐसा कोई बात नहीं। बट बात यह है कि वो बीजेपी के साथ विश्वासघात किए हैं, पार्टी में रहते हुए वो दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, उनके मंच पे खड़ा होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं पीठ पीछे वार किया है बीजेपी के साथ, इसलिए अब पार्टी जो भी मौका मिलना चाहिए रविशंकर प्रसाद एकदम। चलिए, और लोगों से बात करते हैं, क्या लगता है इस बार? रविशंकर प्रसाद। आप भी रविशंकर? युवा सब जितने युवा है, रविशंकर क्या जादू कर दिया उन्होंने? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, बीजेपी जो है पिछले 70 सालों, मतलब कांग्रेस जो पिछले 70 सालों में वैसा कुछ नहीं देख पाए, तो एक बार तो बीजेपी को मौका मिलनी चाहिए, एक बार और मौका मिले, एक बार और मिलनी चाहिए। अच्छा, शत्रुघ्न सिन्हा को क्यों, मतलब रुझान क्यों नहीं जा रहा उधर? शत्रुघ्न सिन्हा मतलब एक्चुअली में जो है वो बागी नेता है, और इस बार नहीं लगता है कि मतलब उनके खिलाफ से वैसा कुछ है, तो इसलिए। हाँ। क्या लग रहा है? रविशंकर प्रसाद। अब भी देख के तो नहीं बोल रहे ना साथ में? तो रविशंकर प्रसाद की आएंगे इस बार यहाँ से, पटना साहिब से ना। अच्छा, आपको लोकसभा क्षेत्र क्या ऐसे ही महाराजगंज लोकसभा? अच्छा, आपका महाराजगंज। वहाँ से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल वहाँ से आ रहे हैं और बहुमत से जीत रहे हैं। और क्या लगता है आपको, क्या लगता है? निश्चित रूप से रविशंकर प्रसाद आएंगे। रविशंकर प्रसाद श्योर है? श्योर, क्योंकि जो जैसा उन्होंने, खामोश नहीं करेंगे इस बार क्या? नहीं देखिए, खामोश तो देखिए पॉलिटिकल फैक्टर और जो अभिनय का फैक्टर दोनों अलग अलग होता है। उन्होंने अभिनय के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा नाम है, बिहारी बाबू के नाम से उनको सम्मान भी है, लेकिन वो बिहारी बाबू हैं, हम लोग सम्मान करते हैं, एक अभिनय के क्षेत्र में है, लेकिन ये पॉलिटिकल है, तो पॉलिटिकल में निश्चित रूप से कह सकते हैं कि रविशंकर प्रसाद, जो कि पटना विश्वविद्यालय को पहले ज्वाइंट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, दोनों ही पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने शुरुआत की थी राजनीति, जेपी आंदोलन से? नहीं नहीं, जेपी आंदोलन से पहले ही वो ज्वाइंट सेक्रेटरी रह चुके, मतलब वो नजर में आए थे, हाईलाइटेड हुए थे, मेरा कहना है तो वो पहले ही पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन से। आम जो जनता कह रही है उसकी बात कर रहे जी, तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं बात करें तो रविशंकर प्रसाद, जो कि विवाह के साथ। दूसरी बात देखिए, दूसरा पक्ष ये भी है कि अगर हम शत्रुघ्न सिन्हा सर का बात करें, आप पिछला कार्यकाल देखिएगा तो एक भी क्रॉस सवाल उन्होंने किया ही नहीं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो ऐसे लोगों को क्या, वो अभिनय के क्षेत्र में है, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा सम्मान है, लोग उनका आदर भी करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल अगर होना चाहिए तो रविशंकर प्रसाद हम लोगों के हिसाब से सही। धन्यवाद। तो और क्या लगता है इस बार पटना साहिब से कौन जीतने वाला है, पटना साहिब में शत्रुघ्न सिन्हा या रविशंकर प्रसाद? हाँ, ये काम कुछ नहीं, क्या रुझान क्या लग रहा है यहाँ का? हम नहीं बता सकते। नहीं बताइए, कुछ तो बताइए। कुछ नहीं बताइए, कुछ तो क्या लग रहा है, हवा कहाँ चल रहा है? हम लोग डिपार्ट के आदमी है, नहीं डिपार्टमेंट वाला आदमी है। क्या लग रहा है आपको, शत्रुघ्न सिन्हा या रविशंकर प्रसाद, यहाँ से कौन जीतने वाला है? शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न,
क्यों मतलब एक्टर हैं इसलिए या काम किया अच्छा इसलिए या क्या लगता है? फेमस है और एक्टर भी इसलिए सर, मतलब फेमस है, ज्यादा फेमस है वो रविशंकर से ज्यादा है। हाँ वो रविशंकर यहीं पे है, वो ऑल इंडिया में है। अच्छा ऑल इंडिया में, इसलिए नेशनल लेवल पे आप सोच रहे हैं? नेशनल लेवल। अच्छा और क्या होना चाहिए अगर आप जीत कर आते हैं वो, तो क्या सजेशन देना चाहिएगा एज ए युवा उनको, क्या मतलब 5 साल क्या कैसा कार्यकाल करना चाहिए उनको? वैकेंसी वगैरह ज़्यादा निकालना चाहिए स्टूडेंट लोग के लिए, उनको जॉब प्रेफर करना चाहिए, जो कि आजकल रोजगार बहुत मतलब कम लोग हैं, उनके लिए कुछ करना चाहिए और हमारे लिए अच्छा करना चाहिए। थैंक यू। और लोगों से बात करते हैं, क्या लगता है इस बार पटना साहिब से कौन जीतना चाहिए, क्या उम्मीद है? ये देखिए अपना अपना मत होता है, आप तो आप बताइए आपका रुझान कहाँ जा रहा है? शत्रुघ्न सिन्हा। क्यों? क्योंकि ये आप नहीं बोलेगा, ये बताइए क्यों? कि बस उसको जीतना चाहिए, मतलब क्या अच्छा लगता है, फेमस भी है, बहुत फेमस है, बोल दीजिए फेमस है और अच्छा भी, अच्छा कुछ करेगा शायद आगे चलकर। क्या काम होना चाहिए जो बचा हुआ है यहाँ पे पटना साहिब क्षेत्र में, क्या काम होना चाहिए? पटना है तो सब कुछ बचा ही हुआ है, विकास होना चाहिए और भी। हाँ विकास होना, विकास तो बहुत होना चाहिए, बहुत कुछ विकास नहीं हुआ है यहाँ पे अभी। थैंक यू। और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं क्या लगता है चाचा इस बार किसकी सरकार? पटना साहिब, पटना साहिब भाजपा की सरकार, भाजपा रविशंकर जी। बिल्कुल। शत्रुघ्न सिन्हा नहीं चाहिए? जी नहीं, जी नहीं। क्यों नहीं चाहिए? हम लोग नरेंद्र मोदी को चाह रहे हैं। अच्छा आप ऊपर देख रहे हैं, केंद्र, केंद्र देख रहे हैं जी, केंद्र पे फोकस है आपका? जी जी, केंद्र पर विकास हो रहा चाहिए ना यहाँ पे? विकास हो रहा है, हो रहा है बिल्कुल। तो विकास तो अभी तो शत्रुघ्न सिन्हा थे सांसद तो वो कर रहे थे क्या? नहीं नहीं, सारी फंड मिला है नीतीश कुमार को, विकास कर रहे हैं। अच्छा तो केंद्र से ही आ रहा है इसलिए आप कह रहे हैं, क्या लग रहा है? शत्रुघ्न सिन्हा बहुत कम आते इसीलिए विकास उतना नहीं हो पा रहा है, विकास नहीं हो पा रहा है। वो वोट के समय आते हैं लेकिन फिर बाद में नजर ही नहीं आते, मतलब ये फैक्टर भी है कि नजर आने चाहिए। सांसद साहब यहाँ है, देख लीजिए भैया, यहाँ के वोटरों का कहना है कि आप सांसद बन गए तो दिल्ली मत चले जाइए, यहाँ भी नजर आइए, तभी वोट मिलेगा, तभी जीतिएगा यहाँ पे, नहीं जी सही जब, है ना? जब इलेक्शन का समय आता है तो वो आते हैं, उसके बाद फिर बीच में कभी आते नहीं है, नहीं आते, नहीं नजर नहीं आते, नहीं आते हैं। टीवी पे नजर आते, टीवी पे तो नजर आते, यहाँ पे आना चाहिए, क्या विकास हो रहा है नहीं हो रहा है। अच्छा, और लोगों से बात करते हैं, क्या लगता है इस बार क्या लगता है कौन जीतेगा यहाँ से पटना साहिब से, कौन, शत्रुघ्न सिन्हा या रविशंकर प्रसाद? रविशंकर प्रसाद ही जीतेंगे, रविशंकर प्रसाद ही जीतेंगे, रविशंकर प्रसाद ही, हाँ एकदम जीतेंगे। क्यों रविशंकर प्रसाद? एकदम श्योर है। कारण क्या है जीतने का? मोदी जी इतना विकास का काम कर चुके हैं कि कोई उसका सीमा ही नहीं है। आप केंद्र देख रहे हैं? हाँ बस सब मोदी जी के नाम पर जीतेंगे रविशंकर प्रसाद। ये शत्रुघ्न सिन्हा जो बीजेपी छोड़ दिए, क्या लगता है घाटा होगा या फायदा होगा उनको? उनको घाटा ही होगा, घाटा ही होगा, घाटा होगा, होगा। चलिए और लोगों से बात करते हैं, क्या लगता है इस बार, इस बार? हाँ वही बात, वही सब लोग केंद्र देख रहे हैं, बीजेपी की सरकार। आप भी केंद्र देख, साथ में बैठे हुए खा रहे, इसलिए नहीं ना? नहीं नहीं इसलिए नहीं है, मोदी इतना विकास कर दिए हैं इसलिए, इसलिए विकास देख रहे, खाना नहीं, सब कुछ नहीं, विकास देख रहे हैं। चलिए युवा है यहाँ पे, क्या लगता है इस बार? भाई मोदी, मोदी हर हर मोदी, घर घर मोदी, शायद मेरे हिसाब से तो यही सबके मन में चल रहा होगा, चल रहा है, नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं, ऐसा तो नहीं है, या इंडिया का चाहे बहुत कुछ आप देख सकते हैं, या इंडिया का एक लेवल, पहले इंडिया के बारे में लोग बहुत सारे ऐसे थे, लेकिन अब इंडिया का कुछ एक लेवल जो होता है, जैसे कि एक नहीं होता कि हाँ एक इंडियन कल्चर है, इंडिया है, इंडिया है, उस तरह के विदेश के लोग भी अब देख रहे हैं कि हाँ एक इंडिया है। इंटरनेशनल लेवल पे हमारे जो प्रधानमंत्री है वो पहुंचा रहे हैं इंडिया को, बिल्कुल बिल्कुल, नेतृत्व कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। और यहाँ हर चीज में देख लीजिए, इसरो देख लीजिए, हमारा मतलब नेवी, नेवल देख लीजिए, नेवल शिप डॉक्यार्ड यो जो अभी बना, बहुत सारा चीज हम लोग का बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है, मोदी के कारण ही हो रहा है, यही उनका मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट भी बहुत बेहतर है, उनके हिसाब से हम लोग बहुत खुद से मजबूत रहे, आईएनएस विक्रांत बना हम लोग मोदी के ये में, तो आप कह सकते हैं कि मोदी, ऑब्वियस बात है कि अगर युवा को अगर समझ में आया होगा तो जरूर युवा मोदी को ही वोट देगा, मोदी को देगा बिल्कुल। चलिए और लोग, क्या लग रहा है चाचा इस भैया, कहाँ लग रहा है बात, हवा कहाँ का है, क्या चीज आ रहा है? अरे रविशंकर प्रसाद की, शत्रुघ्न सिन्हा गरम में गरम, क्या है गरम में गरम हो ये आपको जी? अरे कौन है शत्रुघ्न सिन्हा की रविशंकर?
पुरवैया पछिया है आपको जी भैया पछिया इलेक्शन वाला हवा ना देख रहे हैं इलेक्शन वाला हवा सबका अपना अपना कुर्सी है आपको जी है वोट तो आप ही ना दीजिएगा वोट का घर है कुछ लोग वोट देवे जाएगा ना पैसा लोकतंत्र की देखिए लोकतंत्र को बचाइए पैसा देगा का नहीं पैसा नहीं देगा आप ही चुनिएगा सरकार तो आपका विकास होगा तो सरकार आपको चुनना है एक मत ही बहुत इम्पोर्टेंट सरकार हम क्या चुनेगा वो आवेगा यहाँ तो सबको भगावेगा लाठी लेके ये ला सरकार चुनेगा मतलब हम समझ रहे हैं कहाँ रुझान जा रहा है आपका है चलिए और लोगों से बात करते हैं जानते हैं कि क्या लगता है उनको क्या लग रहा है चाचा क्या लग रहा है चाचा कुछ नहीं पता चला बबुआ पता नहीं चल रहा है कुछ नहीं पता चला आपको गर्मी जो ज्यादा पड़ गया ना ठीक है कुछ नहीं तो कुछ नहीं पता चला चलो क्या लग रहा है किसका शत्रुघ्न सिन्हा या रविशंकर प्रसाद रविशंकर प्रसाद रविशंकर काहे काहे कि वो जान रहे ना काम करेंगे विकास करेंगे तब इसलिए हाँ इसके पहले भी थे शत्रुघ्न सिन्हा अब वो बदल गए भले बदल गए लेकिन इसलिए बदलना चाहिए सरकार को बदले तभी आगे बढ़ेंगे ना क्या लगता है इस बार किसकी सरकार शत्रुघ्न सिन्हा या रविशंकर प्रसाद यहाँ के हम नहीं नहीं है यहाँ के भाई भाई यहाँ के नहीं है चलिए हाँ क्या बोले भाई कौन जीतेगा यहाँ लालू यादव जीतेगा वहीं से भी लालू यादव जीतना चाहिए बिहार से जीतेगा और कहाँ से जीतेगा लालू यादव क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा पटना साहिब क्या बतावे हम सर अरे कुछ तो बोलो अभी तो वोटे नहीं दिए हवा कहाँ नजर आ रहा है हवा तो नजर आ रहा है मोदी के मोदी ये जो मोदी है मोदी बिहारों में कहा हो कहा अरे के का सरकार दे जौनो आवे तौनो तो गरीबे के लूटे हुए लगा मोदी जी कितना नाम सुन रहे हैं एक डॉक्टर इतना दम है तो डॉक्टर मास्टर पे लगाम कस के देखे तो गरीबी कैसे खत्म होता है मोदी जी में दम है बात सुन लीजिए देखिए सामने बोल रहे हैं बोलिए मोदी जी में दम है कि डॉक्टर मास्टर पे लगाम कस दे जितना गरीब आदमी दिन भर मेहनत करो डॉक्टर के दे मास्टर के दे यहाँ से क्या लगता है यहाँ कौन जीते वो तो जीते हार तो जीते तो सुना आपने जनता की राय पटना साहिब की जनता ने तो बेबाक होकर इन्होंने तो चुन लिया है कि आखिर कौन होना चाहिए पटना साहिब का सांसद चाहे वो रविशंकर प्रसाद हो या फिर शत्रुघ्न सिन्हा अगर इनकी बेबाक राय और इनकी जो बातें इन्होंने की है शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में और रविशंकर प्रसाद के बारे में अगर आपको पसंद आए तो इस खबर को लाइक करिए शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर कर लीजिएगा भैया तभी तो ऐसे ऐसे लोगों का रुझान और ऐसे ऐसे लोगों का साझा ओपिनियन पाइएगा आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है इसके लिए आप सभी का शुक्रिया धन्यवाद।